ठीक है चल निकल रहे। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So guys, अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भिवाड़ी, तो ये सोलो ट्रेवल होने वाला है। वो लोग बात अभी पीछे सत्यम भी है, शिवम भी है एंड इधर सौरभ भी बैठा हुआ है। तो हम सबको दिल्ली जाना था, शिवम और सत्यम को कुछ पुलिस का काम है एंड सौरभ को भी मतलब वही अपना जॉब वगैरह का और पुलिस वगैरह का वही रहता है, तो दिल्ली सौरभ। देन फिर सोचा कि कैब ही बुक कर लेते हैं जब सबको दिल्ली जाना है, उसके बाद सबके जो है रास्ते अलग अलग, तो मुझे इस टाइम पता, तो कैब में अभी जा रहे हैं और ये भैया है कैब ड्राइवर और ये हमें छोड़ देंगे अभी पश्चिम, कौन सा था, प्रीतमपुरा रोहिणी, पता नहीं कौन सा सेक्टर है, सौरभ को ज़्यादा पता है, मुझे दिल्ली का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो फिर वहाँ से मुझे मेट्रो करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं मुझे, मैंने मेट्रो में ट्रैवल नहीं किया, तो बढ़िया मैंने सोचा कि इस बार में बढ़िया ब्लॉग बन जाएगा मेट्रो का और ट्रैवल वगैरह का थोड़ा बहुत। तो भिवाड़ी जाना है मुझे, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा ब्लॉग में, मौसी के घर गए थे सौरभ और मैं, डोली मौसी रहती है भिवाड़ी, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो सोचा कि एक दिन रह के आ जाता हूँ, घर पे रहते रहते बोर सा हो रहा था काफ़ी दिनों से, और घूमना फिरना भी हो जाएगा इस बार में। तो अभी चलते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी ट्रिप। जय हो बाबा गुफा वाले की। साफ दिख रहा है दूर, जैसे वो कार जा रही है आगे, शायद मोबाइल में ना दिख रही हो लेकिन मुझे बिल्कुल साफ दिख रही है। पहले क्या होता था ना, हल्का सा ब्लरीनेस रहती थी, तो लेसिक लेजर कराने का ये काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है कि अब मैं ग्लासेस नहीं पहन रहा अपने, जो आई ग्लासेस है नंबर वाले वो नहीं पहन रहा, ये सेट्स पहन रहा हूँ, तो मैं आराम से एंजॉय कर सकता हूँ अपने चारों तरफ के जितने भी व्यूज हैं। तो पहले क्या होता था, जब मैं ग्लासेस पहनता था तभी साफ दिखता था दूर का, नहीं तो फिर जब मैं सेट्स पहनता था तो फिर क्वालिटी विजन नहीं मिलता था, मतलब काम चलाऊ वाला काम रहता था। और अभी मैंने जैसे ब्लैक शेड्स पहन रखे हैं तो मजा आ रहा है सब कुछ देखने में, दूर दूर तक उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपने पास थी अब से 3 साल पहले गाड़ी जा रही है, जो अब भी भाई ठीक है कंडीशन, बिल्कुल थोड़ी बहुत ठोक रखी है बस पीछे से, ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है पहले जैसी बिल्कुल। कार नंबर वगैरह ज्यादा मुझे याद रहते नहीं वैसे, सौरभ का ही ध्यान पड़ा, अगर मैं होता ना अकेले तो ये कार निकल जाती और मुझे पता भी नहीं चलता। ये गाड़ी की जो पिछली लाइट है ये मैंने ही तोड़ी थी भाई, मैं लेके जा रहा था और पीछे से लग गई थी, और अभी तक ऐसी की ऐसी है। तो लेफ्ट में मेट्रो जा रही है और जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा मैं वहीं पे उतर जाऊंगा। हैदरपुर बादली पड़ेगा शायद थोड़ा आगे जो मेट्रो स्टेशन है, फाइनली मेट्रो स्टेशन भी आ गया। तो अभी फाइनली पहुंच गए हैं भाई, अभी बैग उतारते हैं पहले, तो ये रहा मेरा बैग, बैग भी मेरा तो बहुत भारी हो गया भाई। चलो ठीक है निकल जाओ, तुम आराम से जाइयो, ठीक है चलो बाय। मेरे बिल्कुल सामने ही मेट्रो स्टेशन है और सौरभ सी हम सत्यम निकल गए हैं और मैं अभी चलता हूँ भाई, पहले तो कार्ड वगैरह देखना पड़ेगा मेरा काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि 2.5 साल पहले का भी यूज़ किया था। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है हैदरपुर बादली मोड़, तो चलते हैं अभी अंदर। तो ये मेरा कार्ड है भाई, पता नहीं चल रहा होगा नहीं चल रहा होगा, कभी 2.5 साल पहले यूज़ किया था, और ये मशीन है जो रिचार्ज वगैरह करती है, तो देखते हैं मेरा कार्ड एक्टिव है क्या। हाँ अरे वाह, 19 रुपये हैं भाई अभी इसमें, अधिकतम रिचार्ज राशि 100 रुपये कर लेते हैं, 100 रुपये का कर लेते हैं रिचार्ज। तो ये कह रही है अभी पैसे डालो भाई, 100 रुपये डालने पड़ेंगे, पैसे कहाँ मिल गए।
ओ खींच लिया भाई। रिचार्ज सफल हुआ, नहीं चाहिए रसीद, नहीं चाहिए हमें, कार्ड रिचार्ज हो गया है और टोटल बैलेंस आ गया 119। मैं तो सोच रहा था अभी तक डीएक्टिवेट हो गया होगा भाई, ये कार्ड चल रहा है। टुवर्ड्स होड्डा सिटी सेंटर, मुझे कहाँ जाना है यार, इतने दिनों बाद मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, मैं सब भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं कहाँ से कौन सा रास्ता था, मैप्स वगैरह कैसे देखते थे मोबाइल वगैरह में, तो इधर पूछना पड़ रहा है सबसे कि वहाँ जाना है तो कौन सी वाली है, इधर वाली है या उधर वाली है, उधर से आएगी इधर से जाएगी, तो अभी देखते हैं। तो अभी एक ऐप डाउनलोड किया है उसमें चेक करता हूँ भाई कौन सा रास्ता है ढोला कुआं का। तो अभी जस्ट भैया से पूछा था दिल्ली की मेट्रो इधर की साइड ही आएगी, तो जस्ट आती होगी, अभी देखते हैं, पता नहीं इधर से आएगी या इधर से आएगी, देखते हैं। और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 5:15, और जो ये मेट्रो स्टेशन है ना बिल्कुल दिल्ली में एंटर करते ही है, वो आप लोगों को पहाड़ भी दिख रहा होगा, यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे है भाई ये मेट्रो स्टेशन, पूरा दिल्ली दिखाई दे रहा है यहाँ से। आ गई मेट्रो भी, खाली पड़ी है भाई बिल्कुल, चलो सीट मिल गई, बहुत कम चांसेस होते हैं मेट्रो में सीट मिल जाए भाई, चलो आज तो मिल गई, नहीं तो खड़े होकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेशन है आजादपुर, मोबाइल स्क्रीन में दिख नहीं रहा वैसे वहां साफ दिख रहा है, तो आजादपुर ही उतरना है मुझे। ये बढ़िया है गुरु, स्टेप्स बना रखे हैं पिंक कलर के, जिस लाइन पे जाना हो इन्हें फॉलो कर दे रहा हो, बस पूरा कलर ही पिंक कर दिया भाई। यहाँ से पिंक लाइन पकड़ने के लिए भाई काफी लंबा चलना पड़ गया, काफी देर से चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ, अब जाके ये एस्केलेटर आया है, सेकंड एस्केलेटर, दो फ्लोर नीचे, काफी बड़ा फैन लगा हुआ है भाई। एयर सर्कुलेट करने के लिए इतना बड़ा फैन तो चाहिए भाई इतने बड़े हॉल में। थर्ड एस्केलेटर नीचे जाने के लिए भाई, मुझे लग रहा है पिंक लाइन भाई अंडरग्राउंड है, क्योंकि मैं तीसरा एस्केलेटर पकड़ रहा हूँ अभी नीचे जाने के लिए, तो मैं थर्ड फ्लोर नीचे आ चुका हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक और पकड़ना पड़ेगा एस्केलेटर, वो सामने दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है फोन चल रहा हो। तो अभी वेट करते हैं मेट्रो आएगी, ये गेट डबल डबल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये खुलेगा तब जाके एंट्री होगी, क्योंकि कई सारे सुसाइड के केसेस आए हैं भाई इधर, मतलब लोग वहाँ कूद जाते हैं, तो अब ये लग गया ना तो थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना कूदने के लिए, तो सही है बैरिकेड टाइप का हो गया, ये पहले खुलता है फिर मेट्रो के गेट खुलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ आज़ादपुर और मुझे जाना है दिल्ली कैंट, उससे आगे जो ऑरेंज लाइन है वहाँ पर चेंज करना है। हाँ तो भाई भाई मेट्रो में बैठ के सारी पुरानी यादें ताज़ हो गई भाई, मतलब जो भी पहले मैं ट्रैवल करता था गुड़गांव जाता था सब यादें ताज़ा हो रही हैं एक एक करके। आधा पौना घंटा खराब करने के बाद दोबारा से भी येलो लाइन पे जा रहा हूँ भाई, मतलब मुझे सीधा न्यू दिल्ली जाना था और मैं फालतू में आज़ादपुर उतर गया और मतलब भटक रहा हूँ काफ़ी देर से, आधा पौना घंटा खराब कर लिया मैंने, क्योंकि न्यू दिल्ली से चेंज होनी थी और वो सीधा ढोला कुआं जाती थी, और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी सारी इंटरचेंज कर ली मैंने, अभी फाइनली सही रूट पे हूँ मैं, तो अभी चलते हैं। भीड़ देखो भाई कितनी है,
तो अभी मैं हूँ भाई कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे और मुझे जाना है हुड्डा सिटी सेंटर की साइड, तो इधर ही पड़ेगा न्यू दिल्ली भी भाई। बहुत टाइम खराब कर लिया फालतू में। फालतू में इतने धक्के खा लेंगे क्या ही बताऊं भाई। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन तो भाई भारी निकालते हैं पूरा, अलग ही स्टेशन बना रखा है, चेंज करना पड़ेगा भाई। यहाँ तो स्पेशल लाइन है एयरपोर्ट वाली, ये तो अलग है भाई, इसमें तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। इधर बैठ जाते हैं और मुझे दो स्टेशन आगे उतरना है। तो अभी हमें न्यू दिल्ली, इससे अगला है शिवाजी स्टेडियम एंड देन उससे अगला है ढोलाकुआ, तो मुझे ढोलाकुआ उतरना है भाई। ये मेट्रो की स्पेशल लाइन है एयरपोर्ट वाली, तो मैं पहली बार बैठ पाऊँ इसमें, कभी जरूरत नहीं पड़ी इसमें बैठने की, तो अभी चलते हैं। और ये रुमाल पहनना पड़ रहा है भाई एज अ मास्क, क्योंकि मैंडेटरी है मेट्रो में मास्क, तो मैं लाना भूल गया था मास्क, तो मुझे पता भी नहीं था कि दिल्ली में ऐसा कुछ है, तो मैं इसलिए फिर ये रुमाल बांध रहा हूँ बार बार, क्योंकि फिर फाइन वगैरह लगेगा अगर किसी ने देख लिया तो रिस्क तो लेना है ऐसा। मैं सोचा था ड्रग्स में जाएगी लेकिन ये पीछे को ही जा रही है, मैं रॉन्ग ड्रग्स में बैठ गया। कैसे कैसे पहुंचा भाई, अभी पहुंच तो गया हूँ और टाइम देखो 7 बज चुके हैं पूरे, मुझे यहाँ पे लगभग 6:30 पे पहुंचना चाहिए था, हो सकता है 6:15 पर भी, तो ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा ख़राब हो गया फालतू में। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं भाई, रात हो जाएगी भिवाड़ी तक पहुँचने रास्ते। भाई रेलिंग में करंट आ रहा है बहुत तगड़ा झटका लगा जैसे अभी मैंने हाथ रखा है, बच गया, पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे, बताना पड़ेगा किसी को, बोल दूंगा जाते जाते कि कुछ गड़बड़ है भाई, रेलिंग चेक करवाओ करंट आ रहा है इसमें। ढोलाकुआ पहुँच चुके हैं, अभी ढूंढते हैं बस स्टैंड, अभी भी बची है भाई महाभारत, और पता नहीं बस मिलेगी सीधी नहीं मिलेगी। ये है ढोलाकुआ बस स्टैंड, तो भी देखते हैं भिवाड़ी कौन सी बस जाएगी भाई, एसी बस मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मिल गई भाई बस भिवाड़ी की, चलते हैं। और ये तो खाली पड़ी है, कितना टाइम लग जाएगा भैया? अभी लगी है क्या? बहुत टाइम लगा होगा यार, कोई भी नहीं है भाई अभी तो। ये चलते चलते पापा ने भाई सेब रख दिया था, जबरदस्ती देकर भेजा था, और मतलब मना कर रहा था कि भूख नहीं लगेगी मुझे, लेकिन अभी मुझे भूख लग गई भाई, अब काम आएगा। देखो ये एप्पल, एक बनाना भी रखा है दूसरी पॉकेट में, मैं वो भी मना कर रहा था, तो भाई फैमिली तो फैमिली होती है, मतलब भले ही साथ ना हो लेकिन आगे भी सोच के चलते हैं, तो अब ये एप्पल खाएंगे, रसीला एकदम, इसमें ढोल लग जाएगी बस चलने में, क्योंकि खाली पड़ी है पूरी पूरी, देखो आगे पूरी खाली है, तो देखते हैं। तो खाली बसता है तो फ़ायदा मिला मुझे कि मनपसंद सीट मिल गई विंडो वाली, नहीं तो भरी हुई में तो दिक्कत आती है यार। मेरी एयरफोन कहाँ है, ये रही। चलो भाई फाइनली बस पहुँच गए थे, और एयरफोन से मैंने मेरा काम नहीं करता बस में या ड्राइवर करने के लिए, जब मुझे कुछ करना नहीं है, ड्राइव करना तो बहुत अलग है, लेकिन एयरफोन सब से यही चाहिए एयरफोन नहीं करना, ट्रैवल करते हुए आप लोग काफ़ी सारे लोग होंगे जो रिलेट कर पाएंगे इस बात से, तो अभी सफ़र का मज़ा लेते हैं, थोड़ा ब्लॉग शूट कम पड़ा होगा, अभी रात भी हो चुकी है, तो हो सकता है सीधे वहीं पहुँच के आपको तो जो भी होगा नहीं करना भी नहीं, नहीं तो मैं पता लगाऊंगा नहीं बीच मोबाइल वैसे भी मेरी थोड़ी बहुत देर तक ऐड हो जाएगी, तो अभी चलते हैं और एंजॉय करते हैं ट्रिप। हाँ
सारे सारे है, मतलब पानी टपके जा रहा है यहाँ से भी, पूरी सीढ़ी गीली हो गई, सब खड़े हो गए भाई यहाँ से, बहुत तेज बारिश है। ये देखो शीशे पे कैसे बह रहा है पानी, रोड की नहर बन गई पूरी भाई, बहुत तगड़ी बारिश आ रही है। तो गाइस अभी फाइनली मैं भिवाड़ी पहुंच गया था, और अभी फिलहाल टाइम देखो 9:40 हो चुके हैं, और मैं लगभग घर से 4 बजे निकला था, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे, मतलब बारिश की वजह से और ज़्यादा लेट हो गया, लगभग 1 घंटा और ज़्यादा, तो लगभग 2-2.5 घंटे तो मेरे भाई ऐसे ही बर्बाद हो गए आने आने में, नहीं तो भिवाड़ी का रास्ता मुश्किल से 4 घंटे का है। तो अभी फ़ोन किया था, मौसा जी जस्ट आने लग रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, साइड में खड़ा हो जाता हूँ यार, बारिश आ रही है अभी भी, लैपटॉप वैसे हैं बैग में वो भी दो, कोई भीग ना जाए बस, तो इस चक्कर में जो है ना फाइनली मौसा के घर तक पहुँच गया था। और किट्टू को देखो, आते ही जो है मेरा लैपटॉप खुलवाया और GTA 5 खेलने लग गया भाई, ये तो कि भैया गेमिंग लैपटॉप खोल दो, गेम खेलना है। तो वैसे आए हुए मुझे लगभग 1.5 घंटा हो गया है, नाश्ता खाना पीना सब हो गया भाई, मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था, बिल्कुल डेड हो गया था मेरा फ़ोन जो है। और भाई बारिश तो पूछो मत, मौसा जी लेके आए, मौसा जी बिल्कुल आगे चले गए, मेरा फ़ोन डेड बिल्कुल, मेरे पास फ़ोन किए जा रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं पिक कर पा रहा। फिर किसी भाई से मैंने फ़ोन लिया, मौसा जी का नंबर जो है हाथ पे सेव किया था, दिख रहा होगा लेकिन ये बाद में ब्लर कर दूंगा मैं, क्योंकि पता चला आप लोग मौसा जी के पास फ़ोन किया जा रहे हो। तो मेरा फ़ोन डेड होने ही वाला था, तो मैंने उससे पहले ही जो है हाथ पे नंबर लिख लिया था मौसी का और मौसा जी का, कि अगर बाई चांस फ़ोन डेड हो गया तो किसी बंदे से फ़ोन लेके कर दूंगा फ़ोन। तो बिल्कुल वही हुआ भाई, मतलब ये समझदारी काम आ गई मेरी, नहीं तो मैं खड़ा रह जाता वहाँ पे, ऐसी जगह था मैं बता भी नहीं पाता कि कहाँ पे आना है, मुझे किसी का नंबर याद नहीं था, घर पे पहले फ़ोन करना पड़ता और फिर वो फ़ोन करते यहाँ पे, तो ऐसा कुछ हो गया था। तो शुक्र है मैंने सेव कर लिया था। और अभी फिलहाल सब अंदर बैठे हुए हैं, मैंने सोचा कि अभी व्लॉग बना कर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, बिकॉज सब ऐसी अवस्था में है, लोटपोट हो रखे है, तो ठीक नहीं है। तो सुबह बनाएंगे बढ़िया व्लॉग आराम से, और किट्टे को अभी गेम खेलने देते हैं और ये व्लॉग कर देते हैं अभी हेप एंड। एंड आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल करें तो सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, तो आप लोग जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।